के साथ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन कर। ये फाइनली दुर्गा पूजा का फाइनल ब्लॉग है और ये विसर्जन का ब्लॉग है। तो अभी क्या हम लोग आए हुए हैं भागलपुर के सबसे फेमस घाट मुसरी घाट पे आए हैं, जहाँ पे भागलपुर का 80% प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। विसहरी पूजा हो, काली पूजा हो, या फिर और कोई अन्य पूजा हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। लेके चलेंगे आपको टेम्पोरी घाट की ओर, जहाँ पे दुर्गा माँ की प्रतिमा विसर्जित हो। सारी प्रतिमाओं का विसर्जन जो मतलब सभी है, एकदम नम आंखों से प्रतिमाओं का विसर्जन की जा रही है। आप देख करके आपका मन भी भावुक हो जाए। हम चल रहे हैं उस घाट की ओर जहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। अब मेला में देखिए एकदम कितना चाट चौमिन सारा कुछ एकदम लगा हुआ है। बर्गर्स, पानीपुरी अवेलेबल है। विजिट एंड टेक सम पानीपुरी। देखिए भैया यहाँ पे प्रसादी बेच रहे हैं। ये देखिए चौमिन एकदम काफी कलरफुल चौमिन है। देखिए एकदम कितना अच्छा देखने में लग रहा है। एक नंबर भैया, चाट भी अवेलेबल है। चाट भी खा सकते हैं आप लोग। मतलब मेला में आपको हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीज मिलेगा मेला में। तो दोस्तों मेरे साथ आप वीडियो में बने रहिए, एकदम वीडियो जो एकदम काफी तगड़ा वाला वीडियो। आप देखिए एक और चीज है मेला, देख सकते हैं यहाँ पे मतलब महिलाओं का भी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड सारा कुछ है। किसके लिए खरीदे समझ में। ये देख सकते हैं मेला का मिनी ज्वेलरी शॉप है, बहुत ही चीप रेट में है। ये 40 रुपया पर पीस है, 40 रुपया पर पीस। क्राउड आप देख सकते हो, बीच में एक प्रशासन के लिए बना दिया जाता है कि ये लोग क्राउड को हैंडल कर सके। प्रशासन कॉरिडोर है जो यहाँ पे प्रशासन भीड़ को हैंडल कर सके। एंड भीड़ तो यार बहुत ही ज्यादा कसम कस भरी पड़ी है। ये देखने दीजिए भाई, सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई घटना या हादसा ना हो, उसके लिए चारों तरफ प्रशासन चारों तरफ तैनात है। और जस्ट ये जो क्राउड दिख रहा है, जस्ट इसके पीछे गंगा जी है, बस उसके पीछे ही गंगा माँ है। आप देख सकते हो भागलपुर का मुसरी घाट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये भागलपुर का मुसरी घाट है, जो यहाँ आपको क्राउड दिख रहा है। और ये दुर्गा पूजा का विसर्जन है। सो भाई ये दुर्गा पूजा का विसर्जन और ये मुसरी घाट है जहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित होती है। और ये देख सकते हो आप, भीड़ बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही ज्यादा है। आइए आइए विकास भैया आगे और हम भी दिखाते हैं। इधर का पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा अलग तरह का वाइब दे रहा है। बोलिए विकास भैया, कैसा लग रहा है ये प्रतिमा विसर्जन? एकदम क्या बोलो, एकदम देख करके यहाँ का नजारा एकदम मस्त बद, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्राउड है भाई, बहुत ही ज्यादा क्राउड है। आप देख सकते हैं मतलब ये जहाँ पे प्रतिमा विसर्जन होती है उसके चारों ओर से ये कॉरिडोर बना दिया गया है। यहाँ पे मतलब पब्लिक को नियंत्रण करने के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रशासन एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अपना ड्यूटी कर कार्य कर सके। बात सही है, प्रशासन को एक कॉरिडोर दे दिया गया कि जिससे भीड़ को वो नियंत्रण कर सके। वो बीच में भूमंडल बता रहा है, और कोई बच्चा खो गया है उसका नाम निकू मंडल है। प्रतिमा के सामने कोई भी खड़े ना रहे, प्रतिमा के सामने कोई भी खड़े ना रहे। माँ का मुख सीधा गिरता है, माँ का मुख सीधा गिरता है। प्रतिमा के सामने कोई भी श्रद्धालु खड़े ना रहे, माँ का मुख सीधा गिरता है। श्री श्री 101 केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति, केंद्रीय महासमिति, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय समिति, पर्वती समिति, आदमपुर समिति, आप तमाम विसर्जन स्थान पे आए हुए आम श्रद्धालुओं,
प्रेम से बोलिए पार्वती दुर्गा महारानी की, सब मिल के बोलिए पार्वती दुर्गा महारानी की, प्रेम से बोलिए पार्वती दुर्गा महारानी की, दुर्गा माई की, दुर्गा माई की। अभी जल का छिड़काव नहीं करें जब तक माँ का प्रतिमा जल में प्रवाहित ना हो जाता है, उस पर कोई भी जल का छिड़काव नहीं करें। जैसे ही माँ का प्रतिमा जल में जाएगी उसके ऊपर हम लोग जल का छिड़काव कर माँ से क्षमा याचना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वादि साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। से बोलिए पार्वती दुर्गा महारानी की। केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय समिति के सहयोग से पार्वती समाज की यह प्रतिमा हो गई है। सुबह 11:55 पर हमारी यह प्रतिमा स्टेशन चौक पर आई थी। अभी अभी मां का प्रतिमा विसर्जन हो गया है। सतारपुर थाना विश्वविद्यालय थाना के तमाम पदाधिकारियों का सहयोग इस प्रतिमा के साथ लगा रहता है और अंतिम विदाई हमारे बरारी एसएचओ के नेतृत्व में होता है। सभी के मौजूदगी में हमारा विसर्जन शोभा संपन्न हो रहा है। पार्वती की प्रतिमा विसर्जित हो चुकी है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा पार्वती की प्रतिमा भसते ही अब प्रतिमा विसर्जन को लेकर के काफी तेजी आ गई है, क्योंकि सबसे पहले पार्वती का जो प्रतिमा है, माँ दुर्गा की प्रतिमा, वो विसर्जित होता है। सारी प्रतिमाओं को एक एक करके यहाँ पे इसी घाट पे विसर्जित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा की प्रतिमा अब विसर्जित हो गई है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।